देना ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या एड़ा है रे, क्या जमाना आ गया। Ride on, man. ये साइकिल चलाने का जगह है। अरे वाह भाई वाह, क्या हाँ वे हट गए। हाँ ये थी वो गली। आदिल भाई फाइनली जगह मिल गई है। किस चीज से पहचान रहे हो? जाली से पहचान लिया प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कलर के जो बांबू थे वो हटा दिए गए। हो सकता है वो शायद शूटिंग वालों ने लगाए गए हो। नहीं वो रखे थे वो ना, वो उसे सीमेंट के थे वो, शूटिंग वालों ने रखे होंगे ना। हाँ ऐसा ये रोड पे रखे हुए होंगे। तो भाई जगह गली मिल गई है, अब सीन दिखाएंगे। हाँ डिजाइन आज भी वही है, कलर हुआ हुआ मुझे इस पे दिख रहा है, ताजा ताजा कलर है कुछ टाइम पहले ही। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज आपको लेके आ चुका हूं एक और शूटिंग लोकेशन दिखाने के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको मेरी और भी वीडियो पसंद आएंगी जो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये विंडो देख रहे हो, दोस्तों ये वाला विंडो का डिज़ाइन करीब आधे घंटे से हम लोग ढूँढ रहे थे, आदिल भाई और मैं हम ढूँढ रहे थे, लेकिन फाइनली ये लोकेशन हमको मिल चुकी है। दोस्तों आज हम मुंबई के, हम बोल सकते हैं चर्च गेट और CST स्टेशन के बीच में हैं, एक ऐसी जगह पर हैं जिसका नाम है बल्लार्ड स्टेट, जहां पर आप बंदरगाह भी बोल सकते हो, करीब में ही है। कोई भी स्टेशन से आप यहां पर आना चाहो तो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर का एरिया है, आप तो चल के भी यहां पर आ सकते हो। दोस्तों आज हम आपको एक फिल्म शूटिंग लोकेशन दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको नाने पाटेकर साहब की शूटिंग लोकेशन दिखा रहे हैं। दोस्तों नाना पाटेकर साहब मेरे पापा के भी फेवरेट एक्टर में से एक है, बिकॉज उनकी एक्टिंग यार सच में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे इंसान है। दोस्तों कुछ सीन इन दो विंडो के बीच में जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, बस मान लीजिए यहीं पर रिकॉर्ड हुए थे। दोस्तों नाना पाटेकर साहब इधर से चलते हुए आते हैं और वो आके यहां पर रुकते हैं और फिर उनसे वो एक मांगने वाले जो रहती है वो उनसे मांगती है, वो यहां पर आके उनको डांस करके दिखाती है, ऐसा ऐसा डांस करती है, देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। तो वो मतलब वो थोड़े सा अलग टाइप के दिखाई फिल्म में, वो ऐसे यहां पर जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं दोस्तों करीब इसी जगह पर वो खड़े हुए रहते हैं और वो बोलती है देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। फिर नाना पाटेकर साहब यहीं पर खड़े हुए रहते हैं और वो बोलते हैं मैं भी तेरे वास्ते नाचा रे, दे लातू भी दे। तो वो सीन दोस्तों करीब 12 साल पहले इस जगह पर इस लेन में रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म का नाम है मिलो तो सही, जो 2010 में आई थी। दोस्तों अगर हम आपको यहां की बात करें तो जिस वक्त सीन रिकॉर्ड किया गया था, ये बिल्डिंग तो आज भी वैसी ही है और ना जाने कितने सालों से ये बिल्डिंग ऐसी ही है। दोस्तों ब्रिटिश के टाइम की एक मजबूत पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग है। दोस्तों मेरे पास कभी पैसा आया बढ़िया तो मैं ऐसे ही पत्थर का घर बनाऊंगा। दोस्तों मुझे पत्थर के घर बहुत पसंद है। तो दोस्तों आज देख लो ये आज भी ऐसी ही इमारत खूबसूरत खड़ी हुई है। ये जो आप पाइप देख रहे हो ना दोस्तों, स्क्रीन शॉट में ये पाइप भी दिख रहा है उनके पीछे, अगर आप देखोगे ये पाइप भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये पाइप आज भी लगा हुआ है, पत्थर का है, लोखंड का है, लोखंड का है, ये लोखंड का पाइप है और ये दीवार और ये विंडो आज भी ऐसी ही है जैसी बहुत पहले थी। दोस्तों तो दोस्तों वो एक फेमस सीन मिलो तो सही
फिल्म का यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये जो आप फ्लोर देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर अभी सीमेंट की टाइल्स लगा दी गई हैं, सीमेंट का पत्थर लगा दिया गया, लेकिन पहले के टाइम पर ये नहीं था दोस्तों। पहले अगर हम बात करेंगे तो एक रेड कलर का फ्लोर था, रेड कलर की यहाँ पर टाइल्स बिछी हुई थी, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है। दोस्तों पीछे जो ये वॉल देख रहे हो ना आप, इसके पीछे बस समंदर का एरिया है, उधर बंदरगाह है और उसके पीछे वो समंदर है। और यहाँ पर ये दीवार भी आपको स्क्रीनशॉट में देख पा रही है, अगर हम थोड़ा पीछे से आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे ये सारी जगह तो आज भी वैसे ही हमको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये जो आप यहाँ पर एल्युमिनियम का रेलिंग लगाया हुआ देख रहे हो फुटपाथ के लिए, ये वो टाइम पर यहाँ पर लगा हुआ नहीं था, ये अभी इसको शायद बाद में लगाया गया है, वो टाइम पर जब फिल्म यहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी वो टाइम पर ये देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और वो जो यहाँ पर कुछ वो सीमेंट के बना के रखे थे, वाइट कलर के कुछ रखे थे, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे, अभी वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। पहले बहुत खुला खुला था और अभी ये यहाँ पे रेलिंग लगा दिया गया है। पेड़ तभी भी थे दोस्तों, पेड़ आज भी हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ। दोस्तों ये जो नाना पाटेकर जी हैं, इनकी एक्टिंग बहुत ही मस्त है यार, जब भी मैं उसको देखता हूँ ना, ला मैं भी नाचा तेरे लिए ला दे दोस्तों यार, एक कमाल की सीन यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था और बहुत सालों बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो ना, बहुत ही मुंबई का एक बहुत खूबसूरत एरिया है, अगर आप कभी फोटोग्राफी करना चाहते हो या मुंबई में थोड़ा सा सुकून वाली जगह देखना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। अगर मैं आपको इसका एड्रेस बताऊँ कि जहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच पाएँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी स्टेशन पर पहुंच जाओ आप, सीएसटी स्टेशन हो या चर्चगेट स्टेशन हो, वहां से बस आप बल्लाड स्टेट ग्रैंड होटल के बारे में पूछ लेना। यहां पर सामने ये बिल्डिंग है जिसका नाम है ग्रैंड होटल, ये होटल है और उस होटल के सामने ही यहां पर खूबसूरत पेड़ खड़े हैं और एक ये इमारत है जिस गली में वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों हमको उम्मीद है ये लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये विंडो मैं बहुत टाइम से विंडो का डिज़ाइन ढूंढ रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं करेक्ट आपको ढूंढ के बता भी पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज ये ना डिज़ाइन कोई बिल्डिंग में मिल ही नहीं रहा था, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, फिर फाइनली हमको मिल गया यार। इतना बड़ा एरिया होता, हम इधर से गुजर रहे इधर से गुजर रहे, पता नहीं डेस्टिनेशन पर पहुँच पा रहे कि नहीं, लेकिन फाइनली हमको मिला और बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये लोकेशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल से जुड़ जाना। दोस्तों जब आप कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि आपका और मेरा एक कनेक्शन बन चुका है। बहुत सारे लोग मेरी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, अपना प्यार देते हैं। दोस्तों ये आपका प्यार ही है जो मैं संडे के दिन आता हूँ और मुझे आपको ये सारी चीज़ें दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं ऐसा फील कराना चाहता हूँ आपको कि जैसे जो फील मैं कर रहा हूँ वही आप फीलिंग कर रहे होंगे कि यार ये वही जगहें हैं जहाँ पर अब से ना जाने कितने सालों पहले से और भी बहुत सारी फिल्में के सीन रिकॉर्ड हुए हैं और आज हम आपको वो लोकेशन दिखा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर नाना पाटेकर जी साइकिल लेके आते हैं इस जगह से, आप इसकी पहचान करने के लिए देख सकते हो। जो विंडो का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आज भी वैसा ही है जैसा वो टाइम पर था, जहाँ पर ये आदिल भाई, रुको आदिल भाई, जहाँ पर ये आदिल भाई खड़े हो रहे हैं, और ये वाइट वाला जो डिज़ाइन है, ये वाइट डिज़ाइन वहाँ पर पीछे उनके बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये कपड़ा है कि सीमेंट का डिज़ाइन है? अच्छा, तो ये सीमेंट का डिज़ाइन तभी भी था और ये डिज़ाइन अभी भी अपने को देखने के लिए मिल रहा है। वो वाला सीन उधर रिकॉर्ड हुआ था और दूसरे सीन ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। ये ग्रैंड होटल है जो जहाँ पर ये सब सीन रिकॉर्ड किए गए थे। अच्छा वो भी है, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। ये जगह भी देखो जहाँ पर आदिभाई खड़े हैं, अभी तो ये सब बंद ही होता है, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब सीन जो था ना वो कुछ इस इधर इधर से लिया गया होगा यहाँ से। और
ये है ग्रैंड होटल और यह है बाहर का एरिया जहां पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें दोस्तों। लव यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल।